नमस्कार दोस्तों, भावना कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं भावना ही हूँ, डरिए मत। ये मैंने पैक लगाया है, मुझे ध्यान आया मैंने इस पैक के बारे में अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बताया, और ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पैक गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, जिन ठंडक भी देता है, स्किन को भी बहुत रिफ्रेशिंग हो जाती है, स्किन रिफ्रेश्ड लगती है इसको लगाने के बाद स्किन, और फिर जिनके ओपन पोर्स हैं उनको भी टाइट करते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया स्किन और जो भी ट्रबल स्किन है, जिसमें प्रॉब्लम है, उन सब के लिए अच्छा है। और अगर आपको मतलब घर में बैठ के कोई पैक लगाना ही है तो ये वो पैक है कि आप आराम से लगा सकते हैं। इसके लिए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें वो है काओलिन क्ले, बेंटोनाइट क्ले, ये रोज़ पेटल पाउडर, ये अपना हर्बल वाटर, ये है अपना दही, हल्दी, हनी, और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, ये फेस पैक। अच्छा, जो ये पाउडर बनाया है ये ऐसे बनाया है, सूखे जो गुलाब के पत्ते थे, अगर आपके पास कैलेंडुला के हो, मतलब कौन से होते हैं जो भगवान जी को चढ़ते हैं ना, वो फूल, पीले फूल जो होते हैं, गेंदे के फूल, उनको भी सुखा करके, आप धो करके सुखा करके फिर ऐसा पाउडर बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ गुलाब गुलाब का बनाया। अच्छा, ये वो पानी है जो अपना हर्बल वाटर है, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप देख लेना उसको। और ये पानी से मैं बल्कि मुंह भी धोती हूँ, और इसको मैं फेस पैक में भी यूज़ करती हूँ। शहद आपको पता ही है, और हल्दी, चाहे कच्ची हल्दी लगाओ या पाउडर हल्दी लगाओ, पर हल्दी ज़रूर लगाओ। काओलिन क्ले जो हमारा मेन मास्टर इंग्रेडिएंट है, इसमें है काओलिन क्ले, और ये बेंटोनाइट या मुल्तानी मिट्टी है, इसको आपके ऊपर है, निर्भर है, अगर आपको लगाना है लगाइए। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से, जैसे धनिया डालते हैं ना सब्जी बनाने के बाद, उस तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ओपन पोर्स है मेरी स्किन में, और उनको टाइट करने के लिए काओलिन, ये अपना सॉरी बेंटोनाइट जो होती है, ये काम मुल्तानी मिट्टी या बेंटोनाइट, ये अच्छी रहती है। तो फिर इन सब का मिश्रण जब हम मिक्स कर लेंगे, पूरे 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये बन गया अपना मिक्सचर। ठीक है, इस तरह से ये मिक्सचर बन गया। फेस पैक आपने देख लिया तो मेरे मुंह में लगा हुआ है, अब मैं फेस वॉश करके आपके पास दोबारा फिर आऊँगी। आपसे बात करते करते मेरा पैक सूख गया और मैं धोकर आ गई हूँ अपना फेस। सुपर पैक है, सुपर पैक, मतलब अगर जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह, रोजेशिया स्किन है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली ये पैक यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैंने इसलिए भी ये पैक लगाया था क्योंकि मैं वॉक करने के लिए गई थी, और होप कर रही हूँ आप लोग सब, जिन लोगों की स्पेशली रोजेशियस की स्किन है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, क्योंकि जितने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलेंगे तभी आपकी स्किन उतना रेडियंट होगी, उतनी अच्छी होगी और उतनी जल्दी ठीक होगी। और बाकी जो आप अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक, और जिसके बारे में बहुत बारी बता चुके हैं, ट्यूब के बारे में बता चुकी हूँ, तो वो भी आप ले रहे होंगे। ये मेरे को इंसेक्ट बाइट हो गया, ये दो जगह ना इंसेक्ट बाइट हो गया, तो ये पैक लगाने के बाद भी ये इंसेक्ट बाइट होता है ना, ये थोड़ा सा हल्का होगा, इसलिए मैंने भी लगाया ये पैक। चलिए, ये था रिज़ल्ट पैक का। ये मैं एक बारी फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, और फिर उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, अपनी हमारी जो कम्युनिटी बनी है 250 लोगों की, 260 टू बी प्रिसाइज, 264 ना, तो वो और 10 लोग और जुड़ जाएंगे वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है क्या? और एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ये इंग्रेडिएंट्स।